ऑल राइट जी, आज मुझे बात करनी है आपसे, जो पीएमएस का पेपर हुआ है आज हफ्ते वाले दिन, एसए का। आपके लिहाज से वो पेपर की डिफिकल्टी लेवल कुछ और होगी। अब मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ, क्योंकि देखो होता क्या है, इसकी साइकोलॉजी समझते पहले ऐसे पेपर की, कि जब आप वहां बैठे होंगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, तब आपको सारे टॉपिक मुश्किल लगते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब आप घर पे बैठे हुए ना, तो आपको सारे टॉपिक आसान लगते हैं, कि जी ये भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं जो पहला टॉपिक आया था, मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज चेंड एवरीवेयर, ऐसा टॉपिक था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास ये कोटेशन है, सबसे पहले तो आपने इसको डीकंस्ट्रक्ट करना है। मुझे बताओगे कि इससे आपको क्या मतलब समझ में आता है? जी, अब यहाँ पे आ गया आपके पास के ये जो टाइप है ना, ये टाइप है एक्सपोजिटरी, ऐसे जिसमें आपको सिर्फ इसको और फर्दर एक्सप्लेन करना है, इससे एग्री करना है। चाहिए जैसे, अब आपको देखो ये पता होना चाहिए कि आदमी जो है वो किधर किधर चेन में है। आदमी कहाँ कहाँ पे है भाई? आदमी है जी, सबसे पहले जेंडर रोल, ठीक हो गया भाई। आप हर चीज हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे कुछ जेंडर रोल्स हैं, फिर कुछ कल्चरल हमारे नॉर्म्स होते हैं, उन कल्चरल नॉर्म्स में ने भी हमें बांध के रखा हुआ है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ने हमें बांध के रख दिया है, इसी तरीके से मीडिया और न जाने बहुत सारे डायमेंशन आप इसके अंदर डाल सकते हैं, कि इंसान पैदा तो फ्री होता है, लेकिन वो हर जगह चेन में। टेक्नोलॉजी ने कैसे किया हुआ है? टेक्नोलॉजी ने आपको बांध के रखा हुआ है। अगर आपको कोई काम करना है तो आपको इंटरनेट वाईफाई की कनेक्टिविटी चाहिए। आपने पढ़ना है अभी तो आप लैपटॉप के मोहताज हैं, आप सेलफोन के मोहताज हैं। भैया आप फ्री होते ना, आप कहीं भी बैठ के पढ़ना शुरू कर देते। इस ऐसे का मतलब है कि इंसान तो पैदा बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसे टेक्नोलॉजी, अब इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या आपके पास 100% फ्रीडम मौजूद है? यस या नो? हम में से कोई भी 100% फ्री नहीं है, ठीक है। आप कुछ लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो इस ऐसे का यही मकसद था कि आपने इसको प्रूफ करना था। अभी मैंने चार एग्जाम्पल दी, 8 9 एग्जाम्पल करके ये ऐसे खत्म हो जाएगा। ये बड़ा आसान ऐसे है। अब समझ में आ रहा है कि इसको कैसे टैकल करना था? ठीक हो गया।
अब मैं आपको सारे टॉपिक इसी तरह से बताता हूँ, आप लोग देखो खुद आंसर दोगे अभी मुझे, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। अगला टॉपिक था डेमोक्रेसी विदाउट जस्टिस इज टायरनी। अब जिनको टायरनी का मतलब नहीं पता, टायरनी का मतलब होता है जी जुल्म सितम, ज्यादती लोगों के साथ जो होती है। डेमोक्रेसी विदाउट जस्टिस, आपको पता है कि जो डेमोक्रेसी होती है इसमें बेसिक जो चीज है ना वो जस्टिस होता है। तो अब आप सोचें कि आपको इससे क्या समझ में आ रहा है। इससे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनती है वो ये बनती है कि जहां कहीं पे भी डेमोक्रेसी है और वहां पे जस्टिस नहीं है तो वो जुल्म सितम हो रहा है वहां पे। अब कैसे, देखो इसको हमने कैसे डील करना था। सबसे पहले तो देखो यार, कोई भी जो सोसाइटी है ना वो बगैर जस्टिस सिस्टम के तो चल ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसकी जमीन पे किसी वडेरे जागीरदार ने कब्जा कर लिया है। अब ना पुलिस FIR काट रही है, ना आपका कोर्ट सिस्टम उसकी हेयरिंग सुन रहा है, उसे तो जस्टिस ही नहीं मिल रहा। तो मजबूरन अब वो शख्स क्या करेगा, वो अब किसी और के साथ करप्शन करेगा, या हो सकता है वो इतना मजबूर हो जाए कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर ले। कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से बहुत ज्यादा जो मजबूर हो जाएगा तो हो सकता है कि वो कोई और ऐसा एग्जाम कर दे जो कि मुल्क को कौम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप इसमें इस्लाम की मिसालें दे सकते हो कि हमें हर जगह क्या कहा गया है कि आपने इंसाफ करना है, तो इस्लाम से रिलेटेड बात आप इसमें ला सकते हो कि जी इस्लाम भी तो यही कहता है। इसी तरीके से ये मैंने खैर अपने पेपर के लिए रखा था कि मैं अपने पेपर में इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैंने कहा अपने स्टूडेंट्स को भी बता दिया जाए। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था किताब के अंदर, तो उसमें लिखा हुआ था 1940 के 41 था इफ आई रिमेम्बर, तो फ्रेंच और इंग्लैंड की आपस में जंग हो रही थी, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटिश आपस में लड़ रहे थे। तो फ्रांस ने ब्रिटिश पे हमला कर दिया। जब विंस्टन चर्चिल उस टाइम के वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास लोग आए बताने के, जी चर्चिल साहब कुछ फैसला करें क्योंकि मुल्क पे हो गया हमला। तो विंस्टन चर्चिल ने बात बोली थी, क्या हमारे मुल्क में जो जस्टिस सिस्टम है हमारा वो ठीक काम कर रहा है? लोगों ने बोला कि हाँ जी, वो तो अपना ठीक है, प्रॉपर काम कर रहा है। तो फिर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, फिर मेरे मुल्क को कोई खतरा नहीं है। बात समझ में आई? तो इतनी ज्यादा जस्टिस की इम्पोर्टेंस दूसरे मुल्कों में भी है, सही है? तो इन दोनों ऐसे को आपने इस तरीके से लेकर चलना था कि भाई कहीं पे भी डेमोक्रेसी है अच्छी बात है, लेकिन जस्टिस जो है वो बहुत जरूरी है, और उसको आपने प्रूफ करना है ऐसे मिसालें दे देकर। बेटा हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया? अगला करें। ठीक हो गया। इसके बाद था इन्फ्लेशन वाला। पिज़्ज़ा किस चीज की समझ में नहीं आई? मुझे बता दो कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ अभी दो ऐसे में जो एग्जाम्पल दिए मैंने। इसका मतलब ये था कि विंस्टन चर्चिल साहब कह रहे थे ठीक है उनको हमला करने दो, छोड़ दो सारी चीजें, लेकिन मेरे मुल्क का जस्टिस सिस्टम अगर चल रहा है ना और वो काम कर रहा है, सही काम कर रहा है वो, तो मेरा मुल्क कहीं नहीं जाएगा, मेरे मुल्क को खतरा नहीं होगा। ये बात की है उन्होंने कि बस जस्टिस सिस्टम सबसे ऊपर रखा है उन्होंने।
अच्छा, व्हाट विल बी द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट वन? देखो, इस तरह के एसेज में तुम या तो एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। जैसे अगर मैं इससे एग्री करूंगा तो मैं कहूंगा जी कि इसी चीज को रिपीट करूंगा, दैट देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट एज पर रोसो की स्टेटमेंट है मेरा ख्याल से, कि एज पर रोसो सेड मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज चेंड एवरीवेयर, या हिस्ट्री बियर्स विटनेस दैट, या आप कुछ भी बना सकते हो। जो तुम अपने एसे में लिखोगे ना आउटलाइन में, उसी चीज को आपने रेप्लिकेट करना ऊपर। हाँ अभी क्लियर हो गई चीजें, अब थर्ड वाले पे चल रहे हैं। इन्फ्लेशन वाला आया था, ठीक है, ये पूरा था आपके पास कि इन्फ्लेशन जी वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से हो रही है, यानी जो ये महंगाई महंगाई है वो हमारी वजह से हो रही है, या कुछ ग्लोबल वजूहात हैं। तो देखो ये दोनों चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। दोनों का है कि हमारी एक तो पॉलिसी ठीक नहीं है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बेटा शुरू से ठीक नहीं थी, फ्लॉट पॉलिसीज हम लेकर चल रहे हैं। तो हम 1958 से आईएमएफ के पास जा रहे हैं, पहले तो आप ये बात करोगे, आप बता दो भाई, आप उनको बता दो कि हमारी पॉलिसीज कभी भी ठीक नहीं थी ये तो शुरू से। फिर सोने पे सुहागा क्या हुआ, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग थी। अच्छा देखो, एक मैं आपको टाइमलाइन समझाता हूँ, 2017 से लेकर 2019-20 तक जो राज रहा है ना दुनिया पे, वो ग्लोबल वार्मिंग थी, ठीक है, चाहे वो यूएसए है, चाहे कनाडा है, पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे कुछ फसलें तबाह हो रही हैं। तो रिसेशन यहाँ से बिल्डअप होना शुरू हुआ ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। 2020 में आ गया जी कोविड-19, जो ऑलरेडी बनता हुआ इन्फ्लेशन था, फूड नहीं था, लोगों को मसले मसाइल थे, कोविड-19 ने उस सिचुएशन को और एक्सेलरेट कर दिया। उसके बाद कोविड जैसे जाता है, कुछ ममालिक में प्रॉपर नहीं गया, कोविड जाने के बाद यहाँ पे शुरू हो गई आपके पास क्या, यूक्रेन वॉर। ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को डिटेल में ना, जब भी ऐसे पूरे आर्ग्यूमेंट हम करेंगे, ये सारी चीज हमने पढ़नी है। तो अब देखो कि एक दिन या एक मिनट की बात नहीं है ये, बात समझ में आ रही है, हमारी पॉलिसीज तो थी खराब, उसके बाद यार ग्लोबल वार्मिंग हुई, कोविड-19 और फिर यूक्रेन वॉर, ये सब करते 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 आज हम इन्फ्लेशन पे पहुंचे हैं। बेटा क्लियर हुआ? ओके, ये तो हमारे हो गए जी स्टार्ट के तीन ऐसे। नूर, आपने हमें लेट ज्वाइन किया है, ये वीडियो वैसे भी रिकॉर्डेड हो रही है, तो जितना आप अभी हमसे सीख लो उसके बाद फिर आप ये लिंक पे क्लिक कर लोगे तो ये आपके पास रिकॉर्डेड भी आ जाएगी। इसके बाद एक टॉपिक था, द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ एक्शन। इसका क्या मतलब है? द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ एक्शन। नहीं समझ में आया इसका मतलब, मुझे यस या नो करके बता दें कि यार हमें इसका मतलब नहीं समझ में आया, आप एक्सप्लेन कर दें ताकि फिर मैं इसको बेहतर एक्सप्लेन कर दूंगा।
देखो मतलब तो समझ आ गया, लेकिन ये नहीं पता लिखना क्या है, लिखेंगे क्या? बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखो लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ एक्शन। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। कैसे? आए जी, पूरे पाकिस्तान में या दुनिया में, गलत स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं, सोशल इनइक्वालिटी है, पूरी दुनिया में सोशल इनइक्वालिटी है, आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। सही है ना? आप कर ही नहीं रहे कुछ भी। इसी तरीके से एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप कुछ कर नहीं रहे। जहां जहां डिलेड रिस्पॉन्स आ रहा है उसकी आपको ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी, ये मतलब है इसका। मैंने आपको शायद सुबह ही क्लास हमने कंडक्ट की थी और मैंने बताया था कि रूरल एरियाज में या मर्दान केपी के में जहां औरतों की तालीम के खिलाफ हैं लोग, वो एंड में क्या करते हैं, फीमेल डॉक्टर चाहिए जी हमें उनकी डिलीवरी के लिए, उनके चेकअप के लिए नॉर्मल, वो फीमेल को पढ़ाएंगे नहीं लेकिन फीमेल डॉक्टर चाहिए। तो क्या है कि वो कोई काम ही नहीं कर रहे इस चीज के ऊपर, इस वजह से वो ज्यादा सफर कर रहे हैं। सोशल इनइक्वालिटी हमारे माशरे के अंदर ज्यादा हुई भी है, मर्द और औरत इक्वल नहीं है, LGBTQs हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, हमारे माशरे में राइट्स नहीं दे रहे हम लोगों को, तो इसके लिए भी हम कोई काम नहीं कर रहे। एनवायरनमेंट में जिसका जितना बस चल रहा है वो उतनी गंदगी मचा रहा है, हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। इसी तरीके से स्कूल ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, इमरान खान साहब जब आए थे तो फर्स्ट स्पीच जब वो वजीर आजम बने उन्होंने सबसे पहले स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों का बताया था कि मेरे ख्याल से 2 मिलियन से ज्यादा है। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी एडवांस बट नो पॉलिसी, ये मुझे समझ नहीं आया किस टॉपिक के लिए ये। हाँ सही, इस पे लगा सकते हो, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे स्कूल ड्रॉप आउट आपके बच्चे हैं, अब इनके लिए कुछ करो काम। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या इन्हें भीख दे देते हैं, हम अफसोस कर देते हैं? कुछ लोगों ने इनको तालीम देना शुरू की, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे इवन कराची में, बड़े शहरों में क्या करते हैं, भीख मांग रहे हैं सिग्नल्स पे। बेटा ये आपका चलता फिरता थ्रेट है ये बच्चा। आई डोंट नो कि आप लोग ऐसी मूवीज देखते हो, बॉलीवुड या हॉलीवुड, ये जो है ना ये वाली, ये बच्चों को इजीली किडनैप कर लिया जाता है। पता ही इतने इजी टारगेट क्यों होते हैं, क्योंकि इनका आगे पीछे कोई भी नहीं होता। वंस दे आर किडनैप, इन बच्चों को अकल नहीं होती, 8 8 10 10 साल के होते हैं, और इनको फिर आप टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसी तरह न जाने कौन कौन सी वाहियात अब्यूजेस के अंदर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, और लोग कर रहे हैं आराम से। तो देखो हमने एक्शन नहीं लिया, राइट? हमें एक्शन लेना था तो ये नहीं होता। अब समझ में आया ये ऐसे कैसे डील करना है इसको? चलो गुड है, अच्छी बात। मैं अभी सिर्फ आपको पूरा पूरा नहीं बता रहा, मैं अभी सिर्फ आपको हाईलाइट दे रहा हूँ कि मेरा बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है, मेरी मेंटोरशिप में जो भी है, उसे कोई भी टॉपिक दुनिया में मुश्किल ना लगे, उसे पता हो ये मैंने अप्रोच कैसे करना है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर 2023 स्पेशल में देने जाऊंगा, उधर वुमेन विल बी वुमेन आ जाए या गर्ल विल बी गर्ल आ जाए, मैंने सबसे पहले वो टॉपिक करना है, राइट? बिकॉज मेरी तैयारी है उस चीज की। मैं हंसूंगा नहीं दूसरों की तरह बैठ के मीम्स बनाऊंगा, यार देखो FPSC ने के, नो, ये पार्ट है, वो कुछ भी दे सकता है वो। नेक्स्ट है जी, कैन द सिंगल नेशनल करिकुलम पेव वे फॉर आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन, और ये पूरा एक लंबा सा टॉपिक है, लुब्बे लुबाव समझा दे दो मैं आपको इसका। वो कहता है कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था, उसे कहते हैं सिंगल नेशनल करिकुलम। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पूरे मुल्क में एक कोर्स पढ़ाया जाएगा, यानी कि एक क्लास में जो KPK में जो बच्चा पढ़ रहा होगा वही चीज सिंध में और बलूचिस्तान में बच्चा वही पढ़ रहा होगा। एग्जामिनर आपसे कहता है कि ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम आया है या आया था, ये आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन कर सकता है क्या? आप लोग बताएं ये पॉसिबल है, हो
हो सकता है या नहीं हो सकता? फिजा ने डायरेक्ट बोला, वेरी ब्रूटल यार, नेवर पॉसिबल। समझ में आ रही है बेटा चीजें? देखो सबसे पहले तो देखो, सिंगल नेशनल करिकुलम का मसला कैसे आ रहा है हमारे यहाँ। देखो मसले समझो, ये 2021 में, ये हमने भी ऐसे में बहुत तैयारी की थी, आएगा नहीं आएगा, पीटीआई गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। बात को समझिएगा, पीटीआई गवर्नमेंट किधर है बेटा? फेडरल में, सही है, यानी कि इस्लामाबाद में थी फेडरल गवर्नमेंट। अब दो धड़े हैं आपके पास, एक आपके पास है सिंध गवर्नमेंट और दूसरी आपके पास है बलूचिस्तान गवर्नमेंट। पंजाब में भी खैर मेजोरिटी जो है वो पीटीआई की थी उस टाइम पे। अब होता क्या है कि अगर फेडरल कोई चीज लॉन्च करे और वो सक्सेसफुल हो जाए तो ये उनके नाम पे क्रेडिट आ जाता है, ठीक है ना, कि जी अब इमरान खान ने जी सिंगल नेशनल करिकुलम किया और देखो हो ये वाला मामला। तो इससे क्या होगा, ये और ये हो जाएंगे डाउन पोजीशन पे चले जाएंगे और ये अप हो जाएंगे कि देखो हमारी गवर्नमेंट लाई थी, और फिर अगले 10-20 सालों के इलेक्शन में रोते रहेंगे जी एसएनसी हम लाए हम लाए हम लाए। मैं देख रहा था कि पार्लियामेंट में अनाउंस हुआ कि जी सिंगल नेशनल करिकुलम हम लेकर आ रहे हैं, जिस दिन अनाउंस हुआ है उसके फौरन बाद सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जी हमारा सिलेबस बहुत बेहतरीन है, सही है, और इन्होंने जो किताबें हमारी 1990 से चेंज नहीं हुई थी वो फौरन से 2021-22 में इन्होंने सब चेंज कर दी किताबें और बहुत डिफिकल्ट बना दिया। बात समझ रहे हो? तुम्हारे मुल्क का निजाम ऐसा है ही नहीं कि कोई पार्टी सिंगल मेजोरिटी लेके फेडरल में बैठे। तो तुम्हारा तो प्रोविंशियल और फेडरल का ही मसला है, पहले तो पॉलिटिकल ग्राउंड पे ही तुम नहीं इसको इंप्लीमेंट करवा सकते, तो छोड़ दो बाकी बातें। तो अच्छा जी, दूसरी बात आएगी कि अगर सिंगल नेशनल करिकुलम हो जाता है तो इन ओ लेवल्स के स्कूल में और मदरसा सिस्टम में तो कोई फर्क ही नहीं रहा फिर तो। फिर तो जहां पे किसी एमएनए एमपी का बेटा पढ़ रहा हो वहां तो मैं भी पढ़ सकता हूँ फिर, ऐसा ये होने नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है आपको? जब ये रोड से गुजरते हैं तो ये किसी और गाड़ी को पास नहीं आने देते, तो ये कैसे हो सकता है कि एक नॉर्मल मजदूर का बच्चा या नॉर्मल मिडिल क्लास का बच्चा इनके बच्चों के साथ स्कूल में बैठ सके? आप लोग समझ रहे हो मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, कि आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन तो बहुत बाद की बात है। पहले तो तुम्हारा सिस्टम ही इतना फ्लॉड है कि तुम इन चीजों को तो सही करो, बेसिक चीजों को। अच्छा चलो अब मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल व्यू के जी एसएनसी इंप्लीमेंट हो गया, हर जगह हो गया, लेकिन वो जो तुम्हारा 2 मिलियन बच्चा स्कूल से बाहर है उसका क्या करोगे? वो बलूचिस्तान में जिधर पानी नहीं है खाना नहीं है उनका क्या कसूर है? वो तो नहीं कर सकते इस तरह का एसएनसी आपका अफोर्ड। फिर तुम्हारी जो रिलीजियस पार्टीज हैं वो नहीं मानेंगी इस चीज को, वो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देंगे जी इसमें इंग्लिश है, इसमें तस्वीर है, इसको यूं करो, इसको वैसे करो। अच्छा और क्या मसले आएंगे? मसला आपके पास ये आता है कि हमारे अंदर पुअर गवर्नेंस बहुत ज्यादा है। हमारे पास इतने स्कूल्स हैं, फिर एजुकेशन इज अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बिल्कुल, क्योंकि आर्टिकल 18 जब आया था अमेंडमेंट हुई थी उसके अंदर, तब से एजुकेशन का तो मामला इनके पास आ गया। ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है, सही है, मतलब हम कभी भी एक पेज पे हो ही नहीं सकते। आप देख लेना कोई डैम नहीं बनाने दे रहा आपको, पढ़ाई तो फिर बहुत बाद में आती है हमारे मुल्क में, आप डैम नहीं बना पाते, सही है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके अंदर मैं अगर होता कम से कम तो मैं ये लिखता कि जी आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं है।
और अगर पॉसिबल है तो पूरा सिस्टम रिफॉर्म करो आप फिर अपना। बेटा क्लियर हुआ कि अगर आपके पास कभी ऐसा कोई टॉपिक आएगा जिसमें आपकी सजेशन मांगिए तो उसको कैसे डील करना होता है, मुझे ओके कर दो ताकि फिर मैं लास्ट वाले टॉपिक पे चलूँ। देखो अगर मुझे इसके पॉजिटिव में जाना है तो मेरे पास दलाइल होने चाहिए। नहीं आप डायरेक्ट इम्पॉसिबल नहीं कह सकते हो, आप इसको ऐसे लिखोगे सी थीसिस स्टेटमेंट दैट सिंगल नेशनल करिकुलम, इसको अगर हम इसकी थीसिस बनाए ना, और इसका तो मेन था आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। सिंगल नेशनल करिकुलम हैज द पोटेंशियल टू पेव वे फॉर द आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन, येट देयर आर मल्टी फेसेटेड इश्यूज दैट नीडेड टू बी एड्रेस। ये मैंने अभी बनाई है आपके सामने, अब मुझे बताओ समझ में आई ये बात। हमारे यहाँ कहते हैं कि किसी को भी सामने ना मुंह पे इनकार नहीं करो, कुछ ऐसा बोल दो कि वो खुद ही समझ जाए। तो मैंने क्या कहा, मैंने बड़ा एक एक जुमला खुद ही अभी बनाया कि एसएनसी के पास पोटेंशियल तो है भाई, देखे ना पोटेंशियल तो है कि हर बच्चा सेम पढ़ेगा जिसने बनाया सोच विचार के बनाया, येट देयर आर मल्टी फेसेटेड इशूज, यहाँ पे बहुत सारे इशूज हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना होगा, और तुम इसे लंबा भी कर सकते हो, नीड टू बी एड्रेस फॉर इट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, और इस तरह करके कोई भी वर्ड तुम यहाँ पे इस तरह से लंबा भी करके सकते हो, उसको छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे नजदीक तो नहीं है ये चीज, बाकी आप सबका अपना अपना नजरिया है। तुम्हारे आर्ग्यूमेंट में जान होनी चाहिए, तुम उससे लड़ जाओ। देखो नॉलेज होनी चाहिए, तुम उससे लड़ जाओगे, नहीं सर देखें एसएनसी आप कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता पॉसिबल। फिर तुम मुझे किसी मुल्क की मिसाल दे दो, सर उन्होंने भी तो किया। ये कब पॉसिबल है, तब तुम उस लेवल पे मुझसे लड़ सकते हो जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी। तो हमें साथ साथ टॉपिक के नॉलेज भी बिल्डअप करनी है, मैं आपको किसी क्लास में वो भी समझाऊंगा कि हम नॉलेज कैसे बिल्डअप करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, और एक ही चीज को हम डिफरेंट एसेज में कैसे लगाएंगे, राइट। लास्ट टॉपिक बड़ा आसान था और मेजोरिटी ने यही किया होगा, मेजोरिटी इसी में फेल भी होगी, वो था इनोवेशन आर नेवर एंडिंग हेडवेज। ये तो बहुत आसान था, बताइए मुझे क्या समझते हैं आप इससे। अभी लिटरली मेरे पास एक पीएमएस की एस्पिरेंट है, मुझसे उन्होंने पढ़ा नहीं था, लेकिन अभी अभी व्हाट्सएप पर उनका मैसेज आया हुआ है कि सर मैंने इन्फ्लेशन वाला किया था, और अब वो मुझे पूरा डिटेल बता रही हैं कि सर इस तरह से मैं कुछ कर रही थी इन्फ्लेशन में, लेट्स सी, फिर उनको मैं बताता हूँ कि कैसे इसको करना था। फायदा मैंने तो बेहतरीन एक्सप्लेन कर दिया है, आप तो बताएं जी। अब फिजा का मैसेज आया है कि सर इनोवेशन सर नेवर एंडिंग हेडवेज में हम लिखेंगे, इनोवेशन कभी एंड नहीं होगी। गुड, इसमें यही बताना है तुमने, और पता है क्या करना है, इसको हिस्ट्री से कनेक्ट कर दिया करो हर बात को। जैसे पहले जो आग थी, आग किस लिए यूज होती थी, आग में क्यों लिख रहा हूँ फायर, लेकिन
फायर किसलिए यूज करते थे? फॉर कीपिंग वार्म, ठीक है। पहले जमाने में अगर आप वीडियोस वगैरह देखो ना, जो हम उनको क्या कहते थे, हंटर और गैदर वाली जो एज में लोग होते थे, ठीक है, वो उस दौर के, जब वो सिर्फ अपने आप की बॉडी जो है वो पत्तों से कवर करते थे, राइट, वो क्या करते थे, वो पत्थरों को रगड़ते थे, उसमें से आग जलती थी, वो सिर्फ हाथ सेकते थे। फिर उन्हें जरूरत महसूस हुई कि यार ये जो खाना है इसे मुझे गर्म भी करना है, मुझे जलाना है, पकाना है, तो फिर उन्होंने इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया। ये सब इनोवेशन में आता है। और यहां से बात चलाओ, करते 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 तुम किस पे आ जाओ, एयरप्लेन्स के ऊपर। यहां से बात लेकर जाओगे तुम एआई के ऊपर, कि जी बैंक में पहले जमाने में, अगर मैं आज से आपको कितने साल पहले लेके जाऊं, मैं आपको लेके जाता हूं 10 साल पहले, सिर्फ 10 साल पहले, तो बैंक के बाहर लाइन लगी हुई होती थी, राइट, क्योंकि उस टाइम चेक सिस्टम होता था। 2013 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम मैं इंटर, मैंने अपना किया था एफएससी। इसी तरीके से हर काम मैनुअल हो रहा था। हमें बिल जमा करवाना होता था ना, तो पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़े में, और हर चीज अखबार में ढूंढ रहे हैं। लेकिन बेटा जब से एआई आया है, या इजी पैसा कह लो, जैस कैश हो गया, बैंकिंग एप्लीकेशन आई हैं, अब घर बैठे ट्रांजेक्शन हो रही है, इनोवेशन आई। और मजे की बात, तुम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो, तुम कोविड-19 से लगाओ इसको, कि जब कोविड-19 आया, उससे पहले मास्क सिर्फ जापान वाले लगाते थे। कोविड-19 आया तो मास्क की एक नई इंडस्ट्री आई, ग्लव्स ज्यादा बनने शुरू हुए, लोगों की कमी हो गई कि भाई ये बनाओ। बात समझ में आ रही है? तो हर दौर में, हर चीज में इनोवेशंस हुई हैं और आगे भी होंगी। अब मुझे ईमानदारी से बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी चीज थी, कि कौन सा ऐसे ऐसा ऐसे था इसके अंदर, तो आपको ऐसा लगा कि यार ये मेरे बस का नहीं। ठीक है जी, बच्चों क्लियर हो गई है? अच्छा, अब सवाल ये है कि फिजा का, कि जी ये आपने बता दिया हमें कि कैसे करना है, और कोई न्यू आ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो कि आप लोग मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम में, जाहिर है जो पेड वाला, आप लोग सारे उसके मेंबर हो, ठीक है बेटा। इसके अंदर मैं करूंगा क्या, मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। वंस वी आर डन विद लेक्चर्स, हम उसके बाद ओपन करेंगे 2000 से लेके 2023 तक के ऐसे पेपर, और हम, हमारी जो ड्रिल होगी, जो हम प्रैक्टिस करेंगे, वो यही होगी कि ये टॉपिक आ सकता है तो कैसे होगा, ये ऐसे आ गया तो कैसे होगा। मेरे पास 4 किताबें ऐसे की, हर किताब में तकरीबन 20-25 ऐसे मौजूद हैं। प्रैक्टिस करवाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको अभी बैठे बैठे कोई कोटेशन दे देता हूँ, जैसे कोई भी हमारी ये कोटेशन है कि कायद आजम की ले लेते हैं, नो नेशन कैन प्रॉस्पर, मुझे ऐसी याद थी, विदाउट द इमानसिपेशन ऑफ वेमेन, ये शायद कायदे आजम ही की थी। अब मुझे बताओ, ये मैंने दे दी तुम्हें, एग्जामिनर ने 2021 के अंदर कहीं पढ़ा कि जी हदीस थी वो पानी के ड्रॉप वाली ना, तो उसने वो हदीस उठा के दे दी। इसी तरीके से अखबार में कोई चीज आए, मैं तुम्हें हेडलाइन बताऊंगा, चाहिए तो बेफिक्र होके चलो, जैसे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, आप बस वो स्टेप्स को फॉलो करते रहो। बस तुम्हारी नॉलेज बिल्ड करना, तुम्हें किताबों के रेफरेंस देना, तुम्हें पढ़ाना, मैं एक एक ऐसे पढ़ाऊंगा बेटा आपको। वंस वी आर डन विथ, हम थीसिस आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिनका नहीं हुआ वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट से थीसिस कंप्लीट कर लो। उसके बाद मैं आपको इंट्रो पैरा लिखना सिखाऊंगा, और जब हम आर्ग्यूमेंट मेकिंग पे आएंगे, मैं हर ऐसे, जैसे करप्शन है तो करप्शन को स्टार्ट किया, पूरी स्टोरी सुनाई, बुक के रेफरेंसेस दिए, फैक्ट एंड फिगर, ये सब मेरे ऊपर होता है, ठीक है। तो आई विल मेक श्योर कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो जाया नहीं जाएगी। फिर बेटा और कुछ? इसके अलावा कोई सवाल है तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो ओपनली।
हम में से बहुत कम लोग हैं ना वो किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो बुक रीडिंग करते हैं। तो जो बुक रीड कर रहे हैं आप उनसे फायदा उठा लें, सही। स्टिल एक मेरा ख्याल से मिनट बाकी है, कुछ पूछना है तो पूछ लो वरना मैं इसको एंड करूं। चलें ओके, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।